हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पून्स ऑफ संगीता में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? और सब बढ़िया चल रहा है? तो चलिए आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए लेकर के एक नई रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज कीमा पराठा। ये बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन है वेजिटेरियंस के लिए। अगर उनको कीमा पराठा खाने का मन है तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमारे को चाहिए ये एक बड़ा कप सोया चंक्स। अगर आपके पास है तो आप उसको गर्म पानी में भिगो करके और सारा पानी निचोड़ करके आप ऐसे तैयार कर सकते हैं, या अगर आपके पास सोया ग्रैनुल्स हैं तो आप उनको भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सोया चंक्स से बना रहे हैं तो आप उनको फिर मिक्सी में ऐसे उसको गर्म पानी में भिगोने के बाद ग्राइंड कर लीजिए। थोड़ी सी अदरक एक से डेढ़ इंच का टुकड़ा ग्रेट करके, एक मीडियम साइज का प्याज, सूखे मसालों में नमक, आमचूर, जीरा, लाल मिर्च, गरम मसाला और थोड़ी सी फ्रेश हरी मिर्च। तो चलिए पहले स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। पैन लेंगे, उसमें एक 1.5 स्पून बड़ा चम्मच का, अगर आप बड़े चम्मच से लेंगे तो ये 2 बड़े चम्मच है, और अगर आप छोटे उससे ले रहे तो 4 चम्मच के करीब ये तेल है। थोड़ा सा ये हमारा जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम सबसे पहले इसमें ये जीरा डाल देंगे। जैसे ही हमारा जीरा थोड़ा सा क्रैकर हो गया तब हम इसमें ये अदरक, ये बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है, ये मेरे बेटे का एकदम फेवरेट है और बहुत हेल्दी ऑप्शन है। इसमें ये हरी मिर्च और साथ में ही हम प्याज डाल देंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ये सोया चंक जो हमने करके रखे थे इसको हम डाल देंगे और इनके साथ इसको थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। तो हम धीमी आंच पर धीरे धीरे ऐसे हिलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और ये अच्छे से जो भी इसका मॉइस्चर है वो भी खत्म हो जाए और थोड़ा सा ये पक भी जाए। पहले हम इसको ऐसे ही थोड़ा सा, बाद में हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, पहले हम इसको ऐसे ही भून लेंगे। इसको हम ढक करके 5 मिनट धीमी आंच पर ऐसे ही पकने देंगे। तो ये देखिए, ये अब हमारा अच्छे से, काफी अच्छे से 5 मिनट में पक गया है। ये देखिए हल्का हल्का कहीं कहीं जगह से इसको इसका ब्राउन कलर आ गया है, इसका मॉइस्चर एकदम अब कम हो गया है। अब हम इस स्टेज पर इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च, थोड़े से चिली फ्लेक्स, आमचूर पाउडर, गरम मसाला। अब हम सारे मसाले के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट हम इसको मसालों के साथ भी भून लेंगे। थोड़ा सा हम इसको मसालों के साथ भून लेंगे, 2 मिनट और हम इसको ढक के रख लेते हैं। तो ये अब हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये जैसे नॉर्मल हम पराठे का आटा गूंथते हैं ऐसे हमने गूंद के रखा हुआ था, और अब ये हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। तो हम एक मीडियम साइज का पेड़ा लेंगे और इसको हम 2 छोटे ऐसे पेड़ों में डिवाइड करेंगे। सूखे आटे में ऐसे लगा करके हम इसको थोड़ा सा ऐसे बेल लेंगे। और अब हम इसमें ये अपनी स्टफिंग फिल करेंगे। इस ढंग से 2 परत वाला
परांठी बनाने से ये होता है कि एक तो हमारी फीलिंग अच्छे से आ जाती है और दूसरा है कि ये ना बहुत पतला और एकदम क्रिस्पी सा बनता है परांठा। मैं हमेशा कोई भी स्टफ्ड परांठा है वो ऐसे ही बनाती हूँ। आप भी एक बार ऐसे ही बना के देखिएगा, बहुत अच्छा सा आपका बनेगा परांठा। ऐसे इसको हम चारों किनारों से, और इससे स्टफिंग भी ना सब कोनों में अच्छे से फैल जाती है। ऐसे हम इसको चारों तरफ से सील कर लेंगे और अब हम इसको हल्के हाथ से ऐसे फिर बेलते हैं। ये देखिए, ये अब हमारा पराठा हमने ऐसे बेल लिया है और अब हम इसको सेकते हैं, घी लगा लेंगे और उसके बाद ये हम अपना पराठा इस पे डाल करके सेकेंगे। हम दूसरी तरफ से भी ऐसे ही थोड़ा सा सेक लेंगे। और अब हम इसको घी लगा के फ्राई करेंगे। आप चाहें तो आप इसको ऑयल में भी सेक सकते हैं, पर घी के साथ या बटर के साथ इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है। थोड़ा सा धीमी आंच पर ही हम इसको क्रिस्पी करेंगे। एकदम देखिए बड़ा बहुत ही मजेदार सा ये हमारा पराठा तैयार हो गया है। आप इसको एक बार ट्राई जरूर करिएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले दिनों में मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये देखिए, अब ये हमारा बहुत ही टेस्टी सा और एकदम क्रिस्पी सा पराठा बन करके तैयार है। तो ये देखिए, ये अब हमारा मजेदार सा वेज कीमा पराठा बन करके रेडी है सर्व करने के लिए।